हेलो फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मोहित और आप देख रहे हो ट्रैवल फ्रेंडली। और आज हम लोग अपने पुराने ट्राइपॉड के साथ कुछ करने वाले। ये छोटा ट्राइपॉड है, इसका बॉल हेड का जो ऊपर का नॉब था टूट गया था, तो मैंने इसे डायरेक्ट कर लिया था। मतलब मैं इसे डायरेक्ट किसी भी कैमरा के नीचे लगा के यूज़ कर सकता था, बट इसमें मैं कुछ टर्न वगैरह नहीं कर सकता था। तब मैंने इसे यूज़ करना बंद किया था, बट उसके बाद मैंने फिर नया लिया। ऐसे मतलब छोटे मोटे चार पाँच ट्राइपॉड है, बड़े वाले भी आपने देखे हैं, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसके ऊपर मैंने अलग से अटैचमेंट लगाई हुई, जिससे मैं फिलहाल मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मैंने अलग से लगाया हुआ है, जिसमें मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम इसके साथ कुछ करने वाले हैं। ये है मेरा कार माउंट, ठीक है। ये भी ख़राब हो गया है एक्चुअली, इसके नीचे जो रबर था जिससे चिपकता है ये ख़राब हो गया था। तो मुझे कुछ इस तरह का आइडिया है कि मैंने सोचा इसे मैं इस पर अटैच करूँगा। इसे हम अपने टेबल पर ऐसे रख के फ़ोन वगैरह रखने का कुछ अलग बनाएंगे। सब लोग तो रखते हैं, बट देखते हैं अगर ये अच्छा लगता है। आप बताना कैसा लगे, वीडियो देखो उसका। ठीक है, तो ये है पुराना ट्राइपॉड और ये है वो माउंट। इसे खोलते पहले तो ओके, तो ये चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसे मुझे इस पर मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ होगा कैसे बहुत ज़्यादा मजबूत है शायद। इसे हम इस तरह की फिट करेंगे या फिर जैसे ही फोन लगाऊंगा वो जो फिट लेगा, ये टाइट भी हो सकता है, तो ये बहुत बढ़िया है। मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा, ऐसे फोन रखूँगा, फोन को फिट लेगा, क्योंकि एक्सेसिबल होगा और थोड़ा मजबूत भी होगा। तो अच्छा पहले फिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसे खोलना पड़ेगा। अच्छा, इसे भी हमें खोलना पड़ेगा। तो ये खुल गया है अंदर का। ऐसे कुछ पहले भी मैं ऐसे कुछ मॉडिफाई कर चुका था मैं, ऐसे जब ऊपर का नॉब टूटा था तो यहाँ ऐसे कुछ है। तो इसे हटा देंगे हम। और ये है, इसको मैं इसके अंदर फिट करूँगा। तो अब बात ये है कि ये हो रहा था थोड़ा लूज जब मैं उसको इस पर फिट कर रहा था, तो मुझे इसके लिए एक वॉशर ढूंढना पड़ा। फिर मैंने इसके सेंटर में एक वॉशर ऐड कर दिया अभी, जिससे स्पेस थोड़ी बढ़ जाएगी। और एक और फिर उसके बाद गैप में मैं ये भी फिट करूँगा। तो अब मामला ये है कि अब ये है हमारा जो सेंटर पीस है, इसको मैं लगाया, इसको मैं डाला ये स्क्रू। अभी स्क्रू डायरेक्ट अटक भी रहा है, पहले अटक नहीं रहा था, अभी डायरेक्ट अटक रहा है। फिर सेंटर में हम ऐड करेंगे ये, अब इसे फिट करेंगे। अभी मुझे लगता है टाइट हो जाएगा। तो बहुत मुश्किलों के बाद ये फिट हो चुका है। इसे मैंने डायरेक्ट फिट कर दिया है एक नट के साथ, और इसे फन टर्न करके टाइट कर देते हैं। प्लास्टिक पार्ट है, ज़्यादा भी टाइट ना करें कभी भी, परफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, मजबूत हो चुका है। अब ऐसा कुछ होगा ये, तो इसे पहले फिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चार स्क्रू यहाँ पर लगेंगे इसके, ठीक है। तो इसके चारों स्क्रू फिट बैठते हैं। अब इसके नीचे का जो ट्राइपॉड वाला पार्ट है, जो स्टैंड है, वो लगा देते हैं। ये लगेगा कुछ इस तरह से, तो इसके स्क्रू भी फिट कर देते हैं। ये हो गया फिट, तो इसे यूज करके देखेंगे। ओके, ये फिट है, यहाँ पे इसे कर दिया, यहाँ पे इसे कर दिया टाइट, यहाँ पे इसे लगा सेंटर में, ठीक है। दिखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसा प्रोडक्ट होगा जो किसी के पास होगा नहीं, तो मज़ा ही आएगा ना। सब पूछेंगे भाई है क्या, ये कहाँ से लिया। हम इस पर फोन रख के देखेंगे, गिरता तो है नहीं। चलो फोन ले जाते हैं, ये एक फोन बड़ा हुआ, बस देखते हैं। चलो रखते हैं इसके, ठीक है। अटक रहा है प्रॉपर स्टैंड, ऐसे गिर नहीं रहा है। मुझे लग रहा था ऐसे वेट आगे ना आगे से गिरना जाए। और इसकी खास बात यह कि मैं इसे बॉल हेड है इसमें, तो इसमें मैं कहीं भी से टर्न कर सकता हूँ। यहाँ पे टर्न करके टाइट कर दूँ, ऊपर करके टाइट कर दूंगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ इजीली।
देख के बताना, अगर बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत दिन से वीडियो नहीं आते, मैं कुछ कर रहा हूँ तो वीडियो डाल ही देते इसको, ठीक है? ऐसा लग रहा है ये अच्छा लगे तो बताना, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।